बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि बच्चों से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि स्कूल खुल गए हैं और ऐसे में नए सत्र का आगाज हो गया है। आपको बता दें कि इस दौरान बाजार में भी स्कूल बैग और बुक्स खरीदने वालों का तांता लगातार लगा हुआ है। बच्चों की पसंद के बैग खरीदने के लिए अभिभावक दुकान से दुकान पर दस्तक दे रहे हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। बाहुबली छोटा भीम डोरेमोन का क्रेज स्कूली बच्चों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। इस तरह के कार्टून वाले बैग की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चली है। छुट्टियों के बाद अब स्कूल में चहल पहल भी दिखने लगी है। छुट्टियों की मस्ती के बाद अब बच्चे स्कूल पहुंचने लगे हैं, लेकिन इसके साथ ही अभिभावकों की भागदौड़ भी शुरू हो गई है। खासतौर पर स्कूल बैग और स्टेशनरी सामान खरीदने की कशमकश बाजार में दिखाई दे रही है। जयपुर में बैग खरीदने पहुंचे अभिभावक मोबाइल फोन की वीडियो कॉल से बच्चों को बैग पसंद कराते हुए भी नजर आए। स्कूल बैग पसंद करने के लिए वीडियो कॉल पे मेरी पोती है, वो बैग पसंद करेगी। पोती पोतों के लिए आजकल जमाना अलग है, हमारा जमाना अलग था। हमारे जन्म में कपड़े की थैली लेकर के जाते थे, आज ये 500, 800, 1000 का बैग लेके जाना पड़ता है। समय अलग है। वो फोन पे देखो, वो फोन पे है डायरेक्ट। ये बैग पसंद कर दिया इसने, ये पसंद किया इसने। स्कूल बैग जो अपना चलता हुआ आ रहा है वही चल रहा है, और कलर्स नए आ जाते हैं, कपड़े नए आ जाते हैं, डिजाइनें नई आ जाती है, और सब चीज़ वो की वही है। शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ एक बार स्कूलों की रौनक फिर से लौट रही है, तो बाजार भी गुलजार हैं। बाजारों में स्कूल बैग और स्टेशनरी सामान की रौनक है, तो वहीं अभिभावक भी इनको खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। दुकानों पर हर साइज के बैग तैयार हैं। कौन सी क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है, बस इतना दुकानदार को बताना जरूरी है। लेकिन बैग का साइज देख कर आप चौंकिए मत, स्कूल का सिलेबस ही इतना ज्यादा हो गया है कि बैग तो बड़ा लेना ही पड़ेगा। स्कूल बैगों में अभी इस बार बहुत तरह की वैरायटी आई हुई है अपने पास, और मार्केट में बहुत तरह की वैरायटी चल रही है। जैसे कि आपको मालूम है, नेट का ज़माना है, आजकल बच्चे नेट पे देख के आते हैं, उसके बाद रेगुलर हमसे फरमाइश करते हैं, फ़ोटो दिखाते हैं कि हमको इस टाइप की वैरायटी दो। उस हिसाब से हमारा बिजनेस बहुत टफ हो गया, क्योंकि हमको वैरायटी मेंटेन करने के लिए बहुत आजकल मुश्किलें आ रही है, और सरकार की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं दी जा रही स्कूल बैग बेचने वालों को। बल्कि स्कूल बैग जो बच्चों की सेवा है, समाज की सेवा है। नए उमंग और नए सपनों के साथ एक बार फिर बच्चे स्कूल में जाने लगे हैं। अपने पसंद के बैग खरीदना हो या फिर स्कूल का कोई भी सामान, उसमें भी बच्चे पीछे नहीं रहे हैं। स्कूल जाने की उमंग बच्चों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। सहयोगी मनमोहन रेवसिया के साथ अनिल सैन। डिप्टी सीएम और परिवहन सड़क सुरक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है, यहाँ योजनाबद्ध तरीके से सड़क सुरक्षा के लिए आगामी 10 वर्षों के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। दरअसल बैरवा परिवहन मुख्यालय पर राज्य सड़क सुरक्षा नीति की कार्य योजना को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।